डियर व्यूवर्स, वेलकम टू हैदराबादी खाना खजाना। हैदराबादी खाना खजाना में आपका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे मकरूनी राइस। मकरूनी राइस बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चावल। हमने इसको 2 घंटे पहले पानी में भिगाया था। काबुली चना 100 ग्राम्स, आप इसको रात भर पानी में भिगा लें। 50 ग्राम्स मकरोनी, हमने मकरोनी को वॉश किया है। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, आप ऑलिव ऑयल की जगह नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी हसबे ज़रूरत, 5 अदद हरी इलायची, 10 से 12 लौंग, नमक हसबे ज़ायका, 2 से 3 तेज पत्ते, 1 प्याज। हमने एक बर्तन गरम किया है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें मकरोनी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें अभी हम चना ऐड करेंगे। अभी हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे, दालचीनी, लौंग, इलायची। अभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे और चावल को भी अच्छे से भून लेंगे। हमें इन सारी चीजों को अच्छे से भुनना है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं। अभी हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। हमने 3 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा, और इसको अच्छे से भुन लेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने जिस कप से चावल लिया था उसी कप से 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे और जिस कप से हमने चने और मकरूनी ऐड किया था वो भी हम 1.5 ग्लास के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अगर आप 1 ग्लास चावल ले रहे हैं तो 1.5 ग्लास पानी ऐड करें और चने और मकरूनी मिलाकर अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो वो भी 1.5 ग्लास पानी। टोटल 3 ग्लास पानी हमने ऐड किया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने पानी ऐड किया है तो ये थोड़ा सा फीका होगा, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन ढाक के हम 8 से 10 मिनट इसको पकने रख देंगे। अभी हम इसको 8 से 10 मिनट पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये हमारा मकरूनी राइस बनके तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारा मकरूनी राइस तैयार है। हमने इसको तली हुई प्याज से गार्निश किया है। हैदराबादी खाना खजाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।